दोस्तों, क्या आप अभी भी अपने माउस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो ऐसे में आप अपना बहुत ज्यादा वैल्यूबल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और आपके इसी वैल्यूबल टाइम को बचाने के लिए मैं आपके लिए लाया हूं ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ एडवांस्ड कीबोर्ड शॉर्टकट कीज, जिसकी मदद से आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ये चीज बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कोई सिंपल हो, जैसे कंट्रोल प्लस सी से आप कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस वी से आप पेस्ट कर सकते हैं, ये वैसे नहीं है। ये कुछ एडवांस कीज हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता है। और अगर आप ऐसी और शॉर्टकट कीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसको क्लिक कीजिए और वहां पर आपको ऐसी ढेरों शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन खन्ना और आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने आगे की वीडियो में आपको अपने लैपटॉप पे बताऊंगा, और जो पहला शॉर्टकट की है वो है विन की, और ये सभी नंबर कीज। और इनको दबाने से होगा क्या कि जो आपका ये नीचे टास्क बार है, जिसमें आपने कोई भी प्रोग्राम अपना पिन किया होता है, उसको आप जल्दी से ओपन कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, मेरा जो पहले नंबर पर जो प्रोग्राम पिन है वो है फाइल एक्सप्लोरर, और अगर मैं विन की और वन दबाता हूँ तो ये देखिए, ये मेरा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। और अगर मैं विन की टू दबाऊंगा, ये मेरा कंट्रोल पैनल ओपन हो गया, और ये विन की थ्री दबाया, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये कितना ज्यादा यूजफुल शॉर्टकट की है। और दोस्तों, अगर आपको ये शॉर्टकट की नहीं पता था, पहले से मालूम नहीं था, तो एक लाइक तो इस वीडियो के लिए बनता है। दोस्तों, अब जो दूसरा शॉर्टकट की है वो आपको हेल्प करेगा। ये सभी, जैसे मेरे ये चार प्रोग्राम खुले हुए हैं, अगर मैं आपको कहूं कि आपको इन सभी को मिनिमाइज करना है, तो आप ऐसे माइनस पे क्लिक कर करके इनको मिनिमाइज करेंगे। अगर मैं आपको कहूं कि इन सभी प्रोग्राम्स को आप एक ही बारी में बंद कर सकते हैं, तो आप उनको कैसे करेंगे? आपको करना क्या है, फिर से दबानी है विन की और दबाना है एम। तो देखिए दोस्तों, ये जो सभी प्रोग्राम्स हमारे खुले हुए थे वो मिनिमाइज हो चुके हैं। और दोस्तों, जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो हमको इस स्टेप को अंडू करने में मदद करेगी। जैसे ये सभी प्रोग्राम हमने अभी मिनिमाइज कर दिए हैं, अगर हम इनको वापस लाना चाहें तो हमको दबानी है विन, शिफ्ट और एम की दोबारा से। तो देखिए, ये सभी सॉफ्टवेयर हमारे जो प्रोग्राम खुले हुए थे ये वापस आ गए हैं। दोस्तों, जो अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। देखिए दोस्तों, कभी कभी हम कोई चीज डिलीट करते हैं तो वो सीधा जाती है हमारे रिसाइकल बिन में। पर क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी शॉर्टकट की है जिसकी मदद से आप किसी भी चीज को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं? जैसे मैं अभी आपको ये फोटो परमानेंटली डिलीट करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको करना क्या है, दबाना है शिफ्ट और डिलीट बटन, और ये आ गया, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल एंड यस। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे रिसाइकल बिन में नहीं गई फाइल, और ये परमानेंटली डिलीट हो गई। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी नीचे जाइए और लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम किसी भी अपने प्रोग्राम को मिनिमाइज करना चाहते हैं, पर हम उसको पूरी तरह मिनिमाइज नहीं करना चाहते। ऐसे में हम क्या करेंगे, हम दबाएंगे विन की और राइट एरो की। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी राइट साइड में आ गया। अगर हम चाहें तो इसको लेफ्ट साइड पे ही कर सकते हैं, लेफ्ट की दबाकर ऊपर करना हो ऊपर वाली की, नीचे करना हो नीचे वाली की, और पूरी तरह मिनिमाइज करना हो तो फिर से हम नीचे वाली की दबा देंगे। दोस्तों, जो अगला शॉर्टकट की है वो है विन प्लस ए की, और इसको दबाने से हमारा जो एक्शन सेंटर खुल जाता है, जहां पर हमको कई सारे सेटिंग मोड मिल जाते हैं, जैसे क्वाइटर्स, वीपीएन, ब्लूटूथ, ब्राइटनेस, ऑल सेटिंग्स, और ऐसे कई ऑप्शन यहां पर हमको एक्शन सेंटर में मिल जाते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कई बार हम गूगल क्रोम या कुछ और चला रहे हैं और हमको हमारा जो फाइल एक्सप्लोरर है उसको खोलने की जरूरत पड़ जाए, तो उसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्टकट की है जो है विन प्लस ई। और देखिए, जब मैं विन प्लस ई को दबाऊंगा तो हमारा ये फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है। दोस्तों, जो अगला शॉर्टकट की है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है अगर आप करते हैं मल्टीटास्किंग, और वो है विन और टैब की। और इसमें आपको आपके सारे प्रोग्राम्स दिख जाते हैं जो कि आपके पीसी पे अभी अभी रन कर रहे होते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कोई चीज होती तो बहुत छोटी है, और ऐसे में उसको देखने में हमको थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो उसको हम बड़ा करना चाहें तो ऐसे में हम दबा सकते हैं विन प्लस की, और देखिए हम इसको जितना चाहें उतना मर्जी मैग्नीफाई कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपने ये देखिए, जैसे हमने खोल लिया अभी अपना कंप्यूटर, और यहाँ पर भी अगर आपको कोई और ज़्यादा इसको आप मैग्नीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको डी मैग्नीफाई भी कर सकते हैं, और ऐसे में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता कि विंडोज में एक आपको हिडन मेन्यू दिया जाता है, जिसको आप ओपन कर सकते हैं विन प्लस एक्स की दबाकर, जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे मोबिलिटी सेंटर, पावर ऑप्शंस,
फाइल एक्सप्लोरर, सर्च, रन, टास्क मैनेजर और ऐसे कई ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। और इनमें से बहुत सारे ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, और यहाँ पर आपको शट डाउन और साइन अप का भी ऑप्शन दिया जाता है। दोस्तों जो अगला शॉर्टकट की है वो है विन की प्लस एल, और इसको करने से क्या होगा कि जो आपका यूजर लॉगिन है, जैसे अभी मेरा जो यूजर लॉगिन है वो है मेरे नाम का सचिन खन्ना वाला, अगर मैं इसको लॉग ऑफ करना चाहूँ तो मैं दबाऊंगा विन प्लस एल की। मैं आपको करके तो दिखा नहीं सकता, मेरा अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, पर ऐसा करने से आपका जो यूजर अभी लॉगिन होगा वो लॉग ऑफ हो जाएगा। और दोस्तों अब वो शॉर्टकट की जो है हमारे इस वीडियो की लास्ट पे, वो है विन प्लस आर, और ये शायद आप में से बहुत ज्यादा लोगों को पता भी हो। और दोस्तों जब आप विन प्लस आर की को दबाएंगे आपका ये रन प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, और इसके साथ आप अपना कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसा करके, और इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, और आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन सा शॉर्टकट की है जो आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगा, जो आप यहाँ सबसे ज्यादा अभी यूज कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अपनी नई वीडियो में।